हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अमित कुमार। वेलकम बैक टू द चैनल बिहार टू स्काई, और आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल बिहार टू स्काई में। सो फिलहाल अभी हम लोग दौड़ने आए थे दोस्तों के साथ में, आप देख सकते हैं वहाँ पे सब लोग साथ में हैं, तो सब लोग उधर जा रहे हैं। सो यहाँ से एक प्लान बना है दोस्तों कि अभी थोड़ा मॉर्निंग वॉक कम्प्लीट हो गया हम लोग का। सो कुल मुझे लगता है 40 मिनट तक सब लोग दौड़े वड़े बैठे बैठे जो भी मतलब यहाँ पे टाइम पास हो रहा था। सो फिलहाल अभी आपको एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं जिसका नाम है राधेश्याम मंदिर। तो चलिए आज आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा ये। सो अगर आपने कभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस लगातार आने वाले हैं इसमें। सो चलिए आपको हम लेके चलते हैं राधेश्याम मंदिर। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं अलग ही मंदिर है, अलग ही बनावट है इसका। आपको चलिए अंदर लेके चलते हैं। ये है श्री राधेश्याम मंदिर उलाव, ये उलाव में मार्केट है इस साइड में। सो ये रोड चलाता है आपको टाउनशिप के पीछे, रिफाइनरी टाउनशिप के पीछे, और ये उलाव की जगह पे है। आप देख सकते हैं बहुत ही अजीब, बहुत अलग सा कारीगरी है इसमें। तो चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। होप सो कि आपने सिनेमैटिक शॉट अच्छा से आपको लगा होगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं डायरेक्ट और आपको दिखाते हैं। अभी मैंने बाइक यहाँ पार्क कर दिया है, उसको डायरेक्ट चलते हैं अंदर में। देख सकते हैं मंदिर में ऊपर में दो मोड़ का चित्र बना हुआ है, पिक्चर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और दरवाज़ा जो है इसका जो मेन गेट है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा लग रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर में जो कारीगरी जो की हुई है बहुत पुराने टाइम की, और इसका जो दरवाज़ा है दोस्तों अलग ही लग रहा है देखने में, जो राजा महाराजा टाइप में नहीं रहता था वैसा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा, और भैया लोग भी हैं, चलिए आइए, और गोपी यहाँ पे भी हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब अंदर चलते हैं, दरवाज़ा खोलने का तो मन कर रहा है ऐसे, लेकिन खोलने नहीं खोल सकते आप, छोटा सा दरवाज़ा, चलिए इसके अंदर चलते हैं। पर ये दरवाज़ा अच्छा बंद है, बंद है। तो आइए दोस्तों अब अंदर लेके चलते हैं। अंदर आप आते के साथ आप देख सकते हैं साइड में वैसा ही बहुत बेहतरीन सा, और यहाँ पर देखिए कबूतर वबूतर उड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक साइड में जो मंदिर का जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस के जस्ट बाजू में आपको हनुमान जी का मंदिर दिख जाएगा दोस्तों। तो जय श्री राम, जय हनुमान। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर में आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पे घंटी लगा हुआ है। फिलहाल अभी मंदिर का दरवाज़ा बंद है, और यहाँ पे एक प्यारा सा कुत्ता डॉग वहाँ पे हेलो, देखिए आप देखें हेलो। सो यहाँ पे है एक डॉग भी, चलिए आराम से रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शंकर जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। मैं अंदर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, शायद इसमें आप ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा मंदिर है। यहाँ पे शंकर जी शिवलिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे हनुमान जी का भी मूर्ति है। और साइड में देखिए आप, ये खंडर उंडर टाइप का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एंट्रेंस, ये वाला एंट्रेंस है, तो ये वाला देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पे भी आपको हनुमान जी का मंदिर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं साइड में, आपको लुक अराउंड कराते हैं, वॉक थ्रू कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दरवाजे हैं जो कि एक खंडर टाइप का है। तो फिलहाल आपको मैं इधर दिखाता हूँ यहाँ पे, और बेहतरीन सा नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन, जहाँ पे एक पेड़ भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इसका नज़ारा है, लेकिन आपको देख सकते हैं इसका सरकार ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है दोस्तों। सो यहाँ पर आप देखिए क्या हालत है इसका, पूरा टूटा फूटा है, इसको मेनटेन भी नहीं किया गया है। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों, अभी हम लोग हैं बिहार राज्य में, बिहार राज्य में हम लोग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दारू की बोतलें रखी हुई हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, शर्म आना चाहिए नीतीश सरकार को। आप देखिए कितने बोतल हैं, 1 2 3 4 5 6 6 और 1 7, ओहो 7 बोतल दारू की बोतलें हैं। आपको बताना चाहता हूँ ये ड्राई स्टेट है दोस्तों, ड्राई स्टेट, और यहाँ पे दारू मिल रही, बताइए। अबे लीगल कर दीजिए ना सर, नीतीश सर आपको बोल रहा हूँ मैं, लीगल कर दीजिए दारू। सब लोग मस्त भी हैं, क्यों पैसा लगवा रहे हैं बिना बात का। मतलब यहाँ सुनने में आते, एक नशेड़ी बता रहा था कि 600 का हाफ मिलता है और 1100 का फुल, बताइए। ऐसे ऐसे जगह पे लोग पीते हैं, जो पीते हैं भाई शर्म करो ज़रा।
और आप देख सकते हैं, चलिए मूड थोड़ा खराब हो गया लेकिन ठीक है, आप देख सकते हैं साइड में देखिए क्या है, साइड में खंडर टाइप का जगह है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका मरम्मत अगर हो जाता तो ये टूरिस्ट स्पॉट टाइप का बन सकता है, क्योंकि ये पूरा विंटेज टाइप है। चलिए अब इस साइड दिखाते हैं, इधर भी आपको थोड़ा रूम्स हैं, स्टाफ रूम टाइप के बने हुए पुराने ज़माने के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा। और ये रहा मंदिर, आप देख सकते हैं ऊपर में, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो है ऊपर में देखिए टॉम्ब टाइप का बना हुआ है ऊपर में, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो चलिए अब उधर भी चलेंगे, फिलहाल आप इधर देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा, बहुत बेहतरीन, मतलब अच्छा टाइप का वाइब आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन वही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको स्टेट गवर्नमेंट मतलब समझ सकते हैं ना कि क्या है। तो यहाँ पे कुछ बकरियाँ भी हैं जो कि सब्जी और ये घास वास चर रही हैं, मतलब खा रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूर से मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड का, बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा दोस्तों। और चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मंदिर, ये कितना विंटेज टाइप का लग रहा है, ऐसा आप राजस्थान सब में आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं बेगूसराय में स्थित उलाव में है ये खंडर टाइप का जो मंदिर है, ये मंदिर ही है दोस्तों, लेकिन थोड़ा इसका मरम्मत नहीं हुआ इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा विंटेज टाइप का। तो यहाँ पर बकरियाँ भी हैं, चलिए अंदर चलते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पर चप्पल अपना जो है, जूता चप्पल जो भी है उतारेंगे। चलिए अब हम अंदर चलते हैं दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप देख सकते हैं अंदर कितना बेहतरीन सा नज़ारा है दोस्तों, ऐसा आपको राजस्थान सब में दिखेगा। लेकिन चलिए आपको हम दिखा रहे हैं, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखिए, बेहतरीन तरीके से पेंटिंग की हुई है, बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग दोस्तों। आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको पेंटिंग दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए, देखिए कितना बेहतरीन। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ नीचे ये लॉबी कितना बेहतरीन है इसका, देखिए आपको मैं पिलर्स दिखा रहा हूँ, पिलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं आप देखिए ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन सा नज़ारा दोस्तों। और जस्ट बगल में गार्डन टाइप का एरिया है इस साइड में, और यहाँ पे ये आप यहाँ पे क्या है सर बताएंगे, गार्ड है। अच्छा, आप यहाँ गार्ड हैं, तो ये मंदिर कृष्ण भगवान का मंदिर है ना, और राधिका जी का, ठीक है। तो सर ये बताइए, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना ये? हाँ, प्राइवेट है। तो इसमें मतलब पूजा वूजा होते रहता है हमेशा? हाँ, पूजा होता है, होता है हमेशा, डेली आते हैं। तो आप चाहते हैं कि बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं घूमेंगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं? जी जी, मतलब ठीक है, देखने घूमने में कोई दिक्कत, देखने घूमने में कोई दिक्कत। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग कभी बेगूसराय आए तो इस जगह पे जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कलाकारी की हुई है इसमें। आप देखिए ध्यान से, आपको हम दिखा रहे हैं सर, हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में एक नंबर ही मंदिर आता है। जी जी, एक नंबर बिहार। जी जी जी, इस कटिंग का आपको बढ़िया बढ़िया इंजीनियर फेल कर जाएगा, देख रहे हैं सही बात, सामने में बढ़िया बढ़िया इंजीनियर इसमें फेल कर जाएगा। सही बात है सर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बढ़िया बढ़िया इंजीनियर लोग फेल हो जाएंगे बनाने में, इस कलाकारी में बनी हुई है बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन। और आपको दिखा रहे हैं ऐसा डिजाइन, सच में आज भी बनाने में आदमी को हालत ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए कितना बेहतरीन सा भाई, अजीब ही मतलब अलग ही दिख रहा है, आपको क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बेहतरीन आज के टाइम में बनाने में। सीमेंट ईंट का तो है नहीं, यहाँ सुर्खी चूना कत्था। अच्छा, सीमेंट कहीं भी नहीं, आपको नजर नहीं आएगा। चूना पत्थर? हाँ, इस पर सिर्फ चूना और पत्थर से बना है ना? बना। जी 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 जी। अच्छा, ये लाइट उसी टाइम का है? हाँ, सारा लाइट उसी टाइम का है, सो आप देख सकते हैं दोस्त। अरे वाह, क्या बेहतरीन लग रहा है, आप देखिए यहाँ पे झूमर टाइप का लगा हुआ है। मोमबत्ती जाता था, मोमबत्ती से इससे ज्यादा लाइट आता है, ये वो इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है। अच्छा, ये मोमबत्ती वाला है ना? ये इलेक्ट्रिक लाइट नहीं, ये मोमबत्ती रखने वाला है। अच्छा अच्छा, ताकि अभी तो यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मोमबत्ती लगती है नीचे में, और वहाँ पे ताकि ये रोशनी बहुत ज़्यादा फैले। और अब देखिए इधर भी कितना बेहतरीन सा नज़ारा दोस्तों, अलग तरह की एक है, आपको देखिए बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, ऐसा मंदिर आपको जल्दी नहीं दिखेगा। तो जो अभी खंडर में तब्दील हो गया है, यहाँ पे एक टाइम पे रासलीला हुआ करती थी, बोले तो नाच गाना होता था कृष्ण भगवान के टाइम में। और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा, लेकिन अभी इसका थोड़ा मेंटेनेंस नहीं हो पाया, लेकिन आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत यहाँ पे रामलीला रासलीला बहुत बहुत बढ़िया तरीके से होती थी दोस्तों। तो आप देखिए, आपको थोड़ा मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अभी अंदर जाना सेफ नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है सांप बहुत हों। तो ये खंडर फुल पैक हो चुका है इस साइड से, आप देखिए। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं इधर भी,
बहुत ही अलग तरीके से बनाया हुआ मंदिर है दोस्तों। तो ये है राधेश्याम मंदिर, बेगूसराय उलाव में स्थित, और यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है दोस्तों, उधर भी लगा हुआ था। और ये एक रहस्यमय दरवाज़ा है जो कि अभी तक नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है। और इधर भी देखिए पूरा टॉम्ब टाइप का है ऊपर में, आपको देखिए ये सब दरवाजे के अंदर क्या है सर? खाली है, ये सब खाली है, क्या ये सब बंद है मतलब ना, ये सब दरवाजे जितने हैं ये सब रूम सब बंद है, बहुत टाइम से बंद है कि अभी मतलब कुछ दिन पहले, बहुत दिन से बंद है। सो भैया यहाँ पे पिलर्स गिन रहे हैं, कितना पिलर्स है अभी आपको बताएंगे पिलर्स कितने जी। बिहार स्टेट रहता तब तो कोई बात, तब तो कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं, गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट ध्यान देता था ना, गवर्नमेंट। मनु भैया कितना पिलर्स है टोटल? पिलर्स तो नहीं, गेट करीबन 40 के आसपास है। 40 के आसपास गेट है खाली, पिलर्स गिनो तो भाई एक बार, पिलर्स गिन के बताओ एक बार। जितना गेट है उसका 2 कर दीजिए, पिलर्स वही हो गया, क्योंकि एक गेट के पास 2 पिलर्स है। अच्छा अच्छा, 40 है तो 80 पिलर हो गए, 52 कोठली 53 द्वार, क्या यही है वो? हाँ 52 कोठली 53 द्वार यही है। पर हम सुने कि खगड़िया में है वो। ना ना खगड़िया की है, ऐसा मंदिर आपको बिहार में नहीं मिलेगा। मतलब कि वही मंदिर है जहाँ पे हम लोग बोल रहे थे। सो गाइज होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक और एक शेयर आपका मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं अपने घर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं, सो फिलहाल मैं अपने घर आ चुका हूँ। तो होप सो कि आपको जो 52 कोठली 53 द्वार का जो जहाँ पे मंदिर, जो एंशिएंट टाइम का मंदिर जो लेके गया था मैं, सो आप बताइएगा कैसा लगा आपको, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में, कल बहुत जल्दी मिलेंगे और हर दिन ब्लॉग आएगा दोस्तों। सो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।